हेलो एवरीवन दिस इज साक्षी विष्णुई वेलकम टू मैग्नेट्रीन कॉम्पिटिशन तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा जो एग्जाम है जैब उसका जो पेपर वन है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग इसका मेड्यूल भी फंक्शन ऑफ बैंक का जो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ लैंडिंग वर्किंग कैपिटल असमेंट एंड क्रेडिट मॉनिटरिंग इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं सॉल्व ये जो पूरा कंसेप्ट है ये हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं आई होप सो कि आप लोगों ने उन वीडियोज़ को देख लिया है एंड अपनी जो कंसेप्ट क्लैरिटी है वो कर ली है नाउ हम जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड वेरियस क्वेश्चन को देख लेते हैं जिससे कि आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली ये चीज़ आपके प्रिपरेशन में भी आपको बहुत हेल्प करेगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आर क्वेश्चन एंड इफ़ इन एनी केस आप लोगों को कहीं पर भी जो है कोई भी डाउट्स अगर अराइज होते हैं तो बस आप एक सिंपल सी चीज़ कीजिएगा कि जितने भी हमारे पहले ही जो मैंने वीडियोज़ बना दिए जो हमारे कंसेप्चुअल वीडियोज़ हैं उन्हें जाकर एक बार देख लीजिएगा वहाँ पर एक एक चीज़ जो है वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है तो वहाँ से जो है आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है वही क्यों हुआ है ठीक है इफ़ इन केस अगर कोई डाउट्स आते हैं तो अदरवाइज़ मैं यहाँ पर भी जो है चीज़ें क्लियर आउट करते चलूंगी ही तो चलिए देखते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन को कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग आर जो कार्डिनल प्रिंसिपल्स होते हैं लेंडिंग के वो क्या होते हैं ऑप्शंस आर सेफ्टी एंड लिक्विडिटी ऑप्शन बी प्रॉफिटेबिलिटी एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क सी इज पर्पस एंड सिक्योरिटी डी ओनली ए एंड सी और जो ई e ऑप्शन है वो क्या है ऑल ऑफ ए टू सी ठीक है हमें बेसिकली बताना क्या है जो कार्डिनल प्रिंसिपल होंगे किसके लेंडिंग के तो सेफ्टी एंड लिक्विडिटी क्या ये कार्डिनल प्रिंसिपल होता है देखिए यहाँ से हमें कुछ चीज़ें तो क्लियर आउट हो गई है कि अगर मैं डी और ई ऑप्शन e को देखू तो दैट मीन्स मेरा ए और सी ऑप्शन तो सही होगा हो ही होगा अगर मैं डी और ई e को जो है सही मानकर अगर कुछ कर रही हूँ तो तो ए और सी तो सही होंगे ही होंगे एक बार आप इस चीज को क्या कर लो वेरीफाई कर लो कि क्या ए और सी दोनों सही हैं क्या उसके बाद में हम बी ऑप्शन को भी देख लेंगे कि क्या ये भी सही ऑप्शन है हमारा इफ अगर है तो फिर ई e ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा इफ अगर नहीं है तो फिर डी ऑप्शन करेक्ट होगा और अगर वेरिफिकेशन में हमें लग रहा है कि ए और सी में भी कुछ गड़बड़ लग रही है कि सी सही नहीं है ए ही सही है सिर्फ बी भी सही नहीं तो सिर्फ बी ऑप्शन को हम जो है करेक्ट मार्क करेंगे लेकिन जो है इस वे से आप क्या कर सकते हो आपका जो एलिमिनेशन वाला रूल है वो अप्लाई कर सकते हो तो सेफ्टी एंड लिक्विडिटी क्या ये हमारा प्रिंसिपल होता है लेंडिंग का बिल्कुल होता है राइट तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है अगर मैं बी वाले को देखूँ प्रॉफिटेबिलिटी एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क क्या लेंडिंग से प्रॉफिटेबिलिटी जुड़ी हुई है लेंड क्यों करती है एक बैंक प्रॉफिट अर्न करने के लिए राइट right? कोई भी बैंक जो है ऐसे ही लेंड नहीं करती है मनी को प्रॉफिट अर्न करने के लिए लेंड करती है राइट right? और जो रिस्क है उसे डाइवर्सिफाई करती है सो दैट मीन्स कि ये भी क्या है ये भी एक प्रिंसिपल है ऑफ लेंडिंग देन पर्पज एंड सिक्योरिटी क्या ये भी जो है हमारा एक कार्डिनल प्रिंसिपल होता है कि किस पर्पज से मनी लेंड किया जा रहा है प्लस सिक्योरिटी क्या है क्या इन प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है लेंडिंग बिल्कुल होती है दैट मीन्स ए बी एंड सी तीनों ही ऑप्शन क्या हैं तीनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं सो अकॉर्डिंगली आपका जो ऑप्शन ई है दैट इज ऑल ऑफ ए टू सी यह आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ठीक है फिर आ जाए नेक्स्ट पर लिक्विडिटी विथ अ बैंकर मीन्स एक बैंकर के साथ में लिक्विडिटी या एक बैंकर के पास में लिक्विडिटी होना इसका मतलब क्या है कैश ऑन हैंड दैट इज कैश इन हैंड कैश एंड बैंक बैलेंसेज शॉर्ट टर्म करेंट असेट्स टू कन्वर्ट इन टू कैश डी इज ऑल ऑफ दी अबव एंड ई इज नन ठीक है एक लिक्विडिटी हमें बताना है कि अगर एक बैंकर को हम बोल रहे हैं कि उसके पास में लिक्विडिटी है तो इसका मतलब क्या होगा सो दैट वुड्स बी ऑल ऑफ दी अबव कैश इन हैंड भी होगा कैश एंड बैंक बैलेंसेज भी रहेंगे प्लस जो शॉर्ट टर्म करेंट असेट्स हैं जो कि ईजिली कन्वर्ट हो सकते हैं इन कैश वो भी हम क्या मानेंगे वो भी हमारी जो है लिक्विडिटी का ही पार्ट होंगे सो so, अकॉर्डिंगली आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा या ऑप्शन डी दैट इज ऑल ऑफ द अबव देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस मीन्स जो कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस है इसका क्या मतलब है एक्सरसाइज डन बाय बैंक बिफोर लेंडिंग टू द कस्टमर बी ऑप्शन है एक्सरसाइज बिफोर ओपनिंग अ न्यू ब्रांच सी एक्सेस टू प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कस्टमर्स बिजनेस डी ओनली ए एंड सी ई इज नन कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस इसका क्या मतलब होता है सो दैट इज एक्सेस असिट दी प्रोफिटेबिलिटी ऑफ कस्टमर्स बिजनेस ठीक है ओनली जो सी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा आपका और कोई भी चीज करेक्ट नहीं है ठीक है सो so, जो है कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस है उसका मतलब ये है कि जो एक कस्टमर का बिजनेस है उसकी कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है उसे असेस करना उसे जो है एनालाइज करना उसे देखना कि कस्टमर के बिजनेस में कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है क्योंकि अगर वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो अकॉर्डिंगली वो जो है टाइमली रीपेमेंट वगैरह भी क्या करेंगे या जो भी चार्जेस हैं जो भी चीज़ है उन सबका पेमेंट जो है वो टाइमली वो कस्टमर बैंक को करता रहेगा इसलिए जो है कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस की आती है कि कस्टमर जो है वो कितने प्रॉफिट में वर्क कर रहा है ठीक है देन बैंकर कैन रिड्यूस रिस्क इन लैंडिंग टू अ बोरोअर बाय बोरोनिंग एडिक्वेट सिक्योरिटी बाय इंश्योरिंग दैट देयर विल बी नो प्रॉब्लम ऑफ लिक्विडिटी विद बोरोअर बाय इंश्योरिंग दैट देयर विल बी नो डिफॉल्ट ऑन अकाउंट ऑफ लैक ऑफ लिक्विडिटी एंड लैक ऑफ विलिंगनेस टू पे ऑन दी पार्ट ऑफ द बोरो जो बैंकर है वो रिस्क को रिड्यूज कर सकता है जो लेंड कर रहे हैं उसकी रिस्क को टू अ बोरो कैसे जो है रिड्यूज की जा सकती है सो दैट इज बाय इंश्योरिंग दैट देयर विल बी नो डिफॉल्ट ऑन अकाउंट ऑफ वो चीज नहीं अराइज होगी प्लस जो है कोई भी काइंड ऑफ डिफॉल्ट वगैरह नहीं होगा इन दम ऑफ लैक ऑफ लिक्विडिटी वगैरह तो ऐसे के इसमें जो है जो रिस्क है वो रिड्यूस की जा सकती है ठीक है देन इन बैंकर्स पार्लेंस क्रेडिट रिस्क इन लेंडिंग रिफर्स टू डिफॉल्ट ऑफ रीपेमेंट बाय द बाई डिफॉल्ट ऑफ बैंकर्स इन मेंटेनिंग एसएलआर डिफॉल्ट ऑफ द बैंकर टू टू रियलाइज क्रेडिट टू द बोर एंड नन ऑफ द अबव बैंकर्स के पालन से अगर हम लोग देखें तो जो क्रेडिट रिस्क है लेंडिंग की उसका मतलब क्या है उसका मतलब है डिफॉल्ट ऑफ रीपेमेंट बाय द बोरअर क्रेडिट दिया बोरोवर को अब बोरोवर से जो है मनी वापस रीपे नहीं हो पा रहा रीपेमेंट में डिफॉल्ट है तो वही चीज़ जो है क्रेडिट रिस्क बनती है ठीक है बाकी अगर हम देखें डिफॉल्ट ऑफ बैंकर्स इन मेंटेनिंग एसएलआर और ये सारी जो चीज़ें ये तो बैंकर के एंड पर है और उनकी कोई भी प्रॉब्लम मिस्टेक है या उनकी कोई भी चीज़ है ठीक है दैट इज़ नॉट दी क्रेडिट रिस्क ठीक है क्रेडिट रिस्क की जब हम बोल रहे हैं तो दैट इज द डिफ़ॉल्ट ऑफ रीपेमेंट बाय अ बोरोवर ऑल राइट देन नेटवर्किंग कैपिटल मीन्स जो नेटवर्किंग कैपिटल है उसका मतलब क्या है करेंट असेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज ओन फंड सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा दैट वुड बी करेंट असेट माइनस करेंट लाइबिलिटीज नेटवर्किंग कैपिटल को कैसे फाइंड आउट किया जाता है जो असेट्स हैं उनमें से लाइबिलिटीज को माइनस करके जो है नेटवर्किंग कैपिटल जो है ये निकाला जाता है ऑल राइट right. क्स्ट क्वेश्चन मेजर करेंट असिट्स आर जो मेजर करेंट असिट्स हैं वो क्या है ए ऑप्शन इज मार्केटल इन्वेस्टमेंट एंड कैश रिसबल्स और इन्वेंट्रीज ठीक है मार्केट इन्वेस्टमेंट एंड कैश या फिर मार्केट इन्वेस्टमेंट एंड रिसीएबल्स या फिर इन्वेंट्रीज इन्वेंट्रीज प्लस कैश प्लस रिसीएबल्स सी ऑप्शन इज शेयर इंड सिस्टर कंसर्न प्लस अनकोटेड शेयर प्लस कैश एंड डी इज ऑल ऑफ दब आपको बताना है करेंट अंट असिट्स जो है वो क्या क्या होंगे इनमें से सो दैट वुड बी मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट एंड कैश या फिर जो भी रिसिएबल्स है जो भी इन्वेंट्रीज है वो ये जो है ये हमारे हम बोलेंगे कि दीज आर दी मेजर करेंट असिट्स ये यूजुअली हमें जो है देखने को मिलते हैं अन करेंट की जब बात आती है तो मेजोरिटी हमें जो है यही चीज देखने को मिलेगी ठीक है ंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल के सोर्सेस क्या क्या होते हैं ऑप्शन आर ट्रेड क्रेडिट प्लस अनसिक्योर्ड लोन्स प्लस डिपॉजिट बी ऑप्शन इज बैंक बोरोइंग प्लस एडवांस्ड पेमेंट्स D, uh, C option is capital. D ऑप्शन इज नेटवर्किंग कैपिटल above इज ऑल ऑफ none. इज है, क्या बताना है हमें वर्किंग कैपिटल के सोर्सेज हमें बताना है वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं नेटवर्किंग कैपिटल को अभी अभी हम लोगों ने समझा दैट इज current assets माइनस current liabilities करके दैट means की current assets जो है वो इसका पार्ट होंगे ठीक है जो सोर्सेज हैं वर्किंग कैपिटल के तो टेड क्रेडिट्स अनसिक्योर्ड लोन्स एंड डिपॉजिट्स ये सारे वर्किंग कैपिटल का सोर्स होंगे बैंक बोरोइंग्स बैंक की बोरोइंग्स प्लस एडवांस पेमेंट्स जो है वो भी इसका वर्किंग कैपिटल एंड जो नेट वर्किंग कैपिटल है ये सारे मिलाकर क्या बनते हैं ये सारे ही जो है आपके सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल बनते हैं सो अकॉर्डिंगली और ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट दैट इज ऑल ऑफ अबव ठीक है देन कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वर्किंग कैपिटल मीन्स

तो वर्किंग कैपिटल का जब मतलब बताना है तो ऑप्शन ए वुड बी दी करेक्ट अगर नेट वर्किंग कैपिटल पूछा जाता तो फिर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होता जो कि हमें बताता एक्सेस ऑफ करेंट एसे ओवर करेंट लाइबिलिटीज लेकिन जो है यहाँ पर नेट नहीं पूछा गया यहाँ पर वर्किंग कैपिटल का मतलब पूछा गया और वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है कि उतनी जो है कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो कि डे टू डे ट्रांजेक्शन को अंडरटेक करने में लगती है सो अकॉर्डिंगली ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर रिक्वायरमेंट्स फॉर दी डे टू डे ट्रांजेक्शन्स ठीक है देन कम्स टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन टर्म लोन्स मीन्स लोन्स डैश पेबल आफ्टर वन ईयर टू टेन ईयर्स रीपेमेंट आर डन एन इंस्टॉलमेंट टर्म लोन्स आर यूटिलाइज फॉर एक्विजेशन ऑफ फिक्स डेसिट्स ऑल ऑफ दबव एंड ई ऑप्शन इज ए एंड बी ठीक है जो टर्म लोन्स हैं उनका मतलब क्या होता है वो ऐसे लोन्स होते हैं जो कि पेएबल होते हैं वन ईयर टू टेन ईयर्स के बीच में राइट ये चीज़ बिल्कुल सही है उसके बाद में रीपेमेंट आर डन एंड इंस्टॉलमेंट्स क्या रीपेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में होता है बिल्कुल होता है टर्म लोन्स आर यूट फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स क्या ये चीज सही है बिल्कुल सही है टर्म लोन जो है वो फिक्स एसेट्स को एक्वायर करने के लिए ही दिया जाता है जो वर्किंग कैपिटल नीड्स होती है उनके लिए टर्म लोन्स नहीं दिए जाते हैं ठीक है तो जो है टर्म लोन्स आर यूटिलाइज फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स डेसिट्स सो अकॉर्डिंगली आपका जो ऑप्शन डी है दैट इज ऑल ऑफ अबव या ये ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ठीक है देन कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वर्किंग कैपिटल नीड्स आर एस्टिमेटेड बाय वर्किंग कैपिटल नीड्स जब वो एस्टिमेट की जाती है बाय ऑपरेटिंग साइकिल मेथड प्रोजेक्टेड टर्नओवर मेथड कैश बजट मेथड एनी ऑफ अबब एंड नन ऑफ अबव ठीक है सो यू नीड टू टेल की जो वर्किंग कैपिटल नीड्स है वो एस्टिमेट कैसे होगी सो दैट कैन बी एस्टिमेटेड बाई एनी ऑफ द अब इनमें से किसी के भी थ्रू जो है वर्किंग कैपिटल नीड्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं हम जो है ऑपरेटिंग साइकिल मेथर्ड भी यूज कर सकते हैं प्रोजेक्टेड टर्न ओवर मेथर्ड भी यूज कर सकते हैं या फिर कैश बजट मेथड भी यूज कर सकते हैं फाइंडिंग आउट दी वर्किंग कैपिटल needs, सो so, अकॉर्डिंगली आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ठीक है? कैश फ्लो डील्स विद कैश एंड नॉन कैश फंड्स कैश बजट डील्स विद कैश ट्रांजेक्शन ओनली सी है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आर जनरली फॉर क्वार्टरली और हाफ ईयरली वाइल कैश बजट्स आर फॉर शॉर्टर पीरियड्स और डी ऑप्शन है कैश बजट इज अ प्रोजेक्शन इन टू द फ्यूचर वाइल अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज हिस्टोरिकल एंड ई ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव सो योर करेक्ट ऑप्शन वुड बी योर ऑप्शन ई दैट इज ऑल ऑफ द अबव ठीक है जो कैश फ्लो है वो कैश एंड नॉन कैश फंड्स दोनों से डील करती है जो कैश बजट है वो सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन से डील करते हैं तो इन दोनों को मिलाकर हमें एक डिफरेंस पता चला ठीक है देन अगर हम सी वाले पर आए तो जो कैश फ्लो है वो जनरली क्वार्टरली uh, और हाफ ईयरली बेसिस के लिए बनाई जाती है और जो कैश बजट्स हैं वो शॉर्टर पीरियड्स के लिए बनाए जाते हैं देन कम्स टू दी डी ऑप्शन तो क्या बोला गया कैश बजट इज प्रोजेक्शन इन टू द फ्यूचर ऑब्वियसली चीज़ है जब हम बजट बनाते तो हम बजट आज मैं बजट बना रही हूँ मेरे आगे आने वाले मंथ का तो ये फ्यूचर प्रोजेक्शन है और जो कैश फ्लो है वो हिस्टोरिकल स्टेटमेंट होती है कैश फ्लो मैं कब बनाऊंगी इस मंथ के एंड में कि जो है मैंने कहाँ कहाँ पर कितना कितना कैश यूज किया है तो कैश फ्लो जो है वो हिस्टोरिकल होती है सो अकॉर्डिंगली डी ऑप्शन भी करेक्ट है सो so, जो आपका ऑप्शन ई e है दैट इज ऑल ऑफ अब यह आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा फॉर दिस वन क्वेश्चन देन कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन एडवांटेजेस ऑफ कैश बजट कुड बी कैश बजट के एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं बोरवर शुड प्लान इन एडवांस द कैश रिक्वायरमेंट्स बी इज बैंकर इज एबल टू स्पॉट अ डेंजर सिग्नल क्विकली अनकरेक्टिव मेजर्स आर टेकन सी है बैंकर कैन प्लान हिज रिसोर्सेज टू मीट क्रेडिट डिमांड्स डी ऑल ऑफ अबव एंड ई एनी ऑफ दी अबव आपको क्या बताना है कैश बजट के जो एडवांटेजेस हैं दैट वुड बी ऑल ऑफ द अबव ठीक है above, ये सारे ही क्या हैं ये सारे ही जो है कैश बजट के एडवांटेजेस बनते हैं ठीक है थीके? देन कम्स टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन क्रेडिट डिसीजन आर अफेक्टेड बाय रिस्क लाइक जो क्रेडिट डिजन्स हैं वो आ, किन रिस्क से अफेक्ट होते हैं क्रेडिट रिस्क मार्केट रिस्क ऑपरेशनल रिस्क लिक्विडिटी इंटरेस्ट रेट फॉरन एक्सचेंज रेट कमोडिटी प्राइज इक्विटी प्राइज रिस्क नन ऑफ दी अब हमें क्या बताना है क्रेडिट डिसीजन जो हैं वो किस टाइप के रिस्क से अफेक्ट होते हैं सो दैट वुड बी योर ऑप्शन है क्रेडिट रिस्क से मार्केट रिस्क या ऑपरेशनल रिस्क से जो है ये अफेक्ट होते हैं और इन्हीं के जो है इन्हीं के वजह से जो है वेरियस डिसीजन जो है वो देख कर लिए जाते हैं कि, कि किस टाइप की जो है रिस्क वहां पर हमें देखने को मिल रही है ठीक है देन कम्स टू दी नेक्स्ट वन क्वेश्चन आर को कौन डिटामाइन करता है ऑप्शन आर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आर बी आई बैंक नाबार्ट बहुत ही सिंपल सा जो है क्वेश्चन है दैट वुड बी बैंक्स दिम ठीक है जो ये डिपॉजिट्स रेट है इन्हें सॉरी uh, जो इंटरेस्ट रेट है डिपॉजिट्स पर इन्हें क्या किया गया इन्हें डी रेगुलेट किया गया था एंड जो है एम वाला सिस्टम अप्लाई किया गया था जिसमें कि बैंक्स जो है वो खुद ही क्या कर रही हैं वो खुद ही अपने जो इंटरेस्ट रेट हैं वो सेटअप करती थी ठीक है सो दैट इज योर ऑप्शन सी बैंक्स दिम सेल्फ

सी ई आर एस ए आई जो हमारा एक जो एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट एजेंसी है वो सेटअप की गई थी ताकि जो वेरियस काइंड ऑफ फ्रॉड्स हैं वो क्या हो सके उन्हें प्रिवेंट किया जा सके फ्रॉड होने से पहले जो है एनालाइज कर कर चीज़ों को सही किया जा सके ठीक है सो आई गेस कि ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये आप लोग अच्छे से क्लियर हो गए हैं ऑफ़ द वेरियस प्रिंसिपल्स ऑन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स uh, और जो ये हमारा कैश मैनेजमेंट एनालिसिस असेसमेंट है ये इन, इन सब पे आई होप सो कि ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हैं विद दिस हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के एंड पर आ जाते हैं इसे एंड करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगी दैट इज़ ये जो सारे वीडियोज़ हैं ये आप बहुत ही ईजिली एक्सेस कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ मैग्नेट ब्रेन ऑफिशियल वेबसाइट बहुत ही सिंपल प्रोसेस है आपको वेबसाइट सर्च करनी होगी www.magnetbrains.com तो वेबसाइट ओपन होगी जब आप इसे स्क्रॉल करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपको वेरियस कोर्सेज़ के ऑप्शंस दिखेंगे इनमें से एक कोर्स है जैब कैब आपको उस पर क्लिक करना है उस पर क्लिक करने से जो उसके आ, अंदर जो कोर्सेज अवेलेबल है उनकी प्ले आपको विजिबल हो जाएंगी इनमें से जिस भी पर्टिकुलर कोर्स या जिस भी पर्टिकुलर जो है हमारे आ, एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करना है उसके वॉच नाउ पर क्लिक कीजिए वॉच नाउ पर क्लिक करने से जो वेरियस टॉपिक्स की लिस्ट है वो आपके सामने विजिबल हो जाएंगी जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक को आपको देखना है उसे समझना है उसका वीडियो अगर आपको देखना है तो उसके वॉच नाउ पर क्लिक कीजिए वॉच नाउ पर क्लिक करने से जो वीडियो है वो प्ले हो जाएगा इसी वे में आप बहुत ही ईजीली किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सेस कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ मैग्नेट ड्रेन्स वेबसाइट ऑल्सो हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन कॉम्पिटिशन आप लोग उसे सब्सक्राइब करें इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियोज़ थैंक यू